स्वागत बंधन, आज हम कक्षा नौवीं और कक्षा दसवीं, नवम कक्षा आया और दशम कक्षा आया, ये जो व्याकरण विधि है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ये है पंचम अध्याय और ये है धातु रूप सामान्य परिचय। सबसे पहले इसमें आती है क्रिया। क्रिया यानी जिसके द्वारा किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। प्रयोग के अनुसार क्रियाओं में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने से पहले क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु। तो धातु किसे कहते हैं कि परिवर्तन होने से पहले क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे रामम मंदिरम गच्छति, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, राम कहाँ जा रहा है? मंदिर, है ना। तो राम मंदिर जाता है। इस वाक्य में जो जाता है क्या है? गच्छति, ठीक है। यहाँ पर गच्छति जाता है। क्रिया के द्वारा, राम के द्वारा कौन सी क्रिया हो रही है? जाता है। क्रिया के द्वारा जाने का कार्य, ठीक है। राम के द्वारा कौन सी क्रिया हो रही है? यानी वो जा रहा है। अतः गच्छति क्या हो गई यहाँ पर? जाना क्रिया हो गई। कहाँ जा रहा है? मंदिर। तो राम मंदिर जाता है तो जा रहा, तो वो गच्छति जो है वो क्या हो गई? क्रिया। यहाँ पर गम मूल धातु से बनी है, ठीक है ना। गम का क्या हो जाता है? गच्छ जाता है। अतः इसमें गम धातु, कौन सी धातु आएगी? गम धातु। गण समझ लीजिए। संस्कृत में धातुओं को 10 गणों में विभाजित किया गया। गण का नाम और गण की प्रथम धातु, जैसे भवादि गण तो भू धातु आएगी, अदादि गण तो आदि धातु आएगी, जोहोत्यादि गण तो भू धातु आएगी, दिवादि गण तो देव धातु आएगी, स्वादि गण तो सु धातु इसमें आएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। तुदादि गण, यहाँ पर तुद धातु है। तुदादि गण में कौन सी धातु है? तुद धातु है। रुदादि गण तो रुद धातु है। फिर तनादि गण तो तन धातु है। क्रियादि गण, प्रयादि गण तो प्री धातु है। चुरादि गण तो यहाँ पर चु धातु है। आप देखिए पद क्रियाओं के रूप चलने के क्रम को पद कहते हैं। पद दो होते हैं, पहला परस्मैक पद और दूसरा आत्मनिर्भर, ठीक। अब यहाँ पर पद के अनुसार धातु भेद, पद के अनुसार धातु में कितने प्रकार की होती है? तीन। पहला परस्मैक पद, आत्मनिर्भर और उभय। अब आता है लकार। प्रत्येक क्रिया किसी न किसी समय में संपन्न होती है, तथा इस समय को सूचित करने के लिए संस्कृत में 10 लकार होते हैं। कौन कौन से? लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लुट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और रुंग लकार, जिसको लिंग लकार विधि लिंग या आश्रय लिंग भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है यहां पर लट लकार। कौन सा आता है? लट लकार। वर्तमान काल में, अभी लट लकार किसको कहते हैं? तो वर्तमान काल में संपन्न होने वाली क्रिया के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। कौन सा उसका प्रयोग किया जाता है? लट लकार का। लट लकार है वर्तमान काल में संपन्न होने वाली क्रिया के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला दिया था रामम पाठम पठति, रामम पाठम पठति, तो राम क्या कर रहा है? राम पाठ पढ़ता है। दूसरा दिया है महेश गृहं गच्छति, महेश घर जाता है। अब दूसरा आता है लिट लकार, जो कार्य वक्ता की आंखों के सामने नहीं हुआ होता उसके लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण समझिए, जैसे कृष्णा कंसम जगमान, यानी कृष्ण ने कंस को क्या किया? मारा, जगमान मान मारा। तो उस समय मतलब जो आंखों के सामने नहीं हुआ उसके लिए लिट लकार का प्रयोग किया। फिर पूरा दशरथ नाम राजा बहु, प्राचीन काल में कौन थे? दशरथ नामक राजा हुए प्राचीन काल, यानी ये भी काल आंखों के सामने नहीं। तो इस प्रकार से उसमें लिट लकार का, इसके अंदर लुट लकार, जो क्रिया भविष्य में तो हो किंतु आज ना हो तो उसमें लुट लकार का प्रयोग होता है। जैसे विश्व विद्यालय,
इस प्रकार जैसे स्वविद्यालय प्रतियोगिता होगी है ना, तो क्या आएगा स्वविद्यालय प्रतियोगिता होता इसमें जो के लिए भविष्य में तो हो किंतु आज ना हो, ठीक है, तो कल विद्यालय प्रतियोगिता होगी। फिर है परश्व रामा विदेशम गंतव्य, परसों परश्व है परसों राम विदेश जाएगा भविष्य के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं, लिट लकार में सामान्य भविष्य काल की क्रिया के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। लुट लकार है अहम पाठम पठिष्यामि, मैं पाठ पढ़ूंगा, रमेश प्रयागम गमिष्यति, रमेश प्रयाग जाएगा। आप लेट लकार इसका प्रयोग वेदों में पाया जाता है, लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता। लोट लकार किसी भी किसी को आज्ञा देने के सामान्यता लुट लकार का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम पढ़ तुम पढ़ो, राम कार्य करो तुम राम कार्य करो। फिर लंग लकार अद्यतन भूतकाल की क्रिया के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है, जैसे बालिका राम अगच्छत, बालक गांव गया, राम जलम अपगत, तो राम ने क्या किया पानी पिया। चलिए इस प्रकार अब आता है लिंग लकार, इसके दो भेद हैं, एक में विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में और करें के अर्थ में, आदि भावों को प्रकट करने के लिए विधि लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है, जैसे सा पठे यानी उसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, चाहिए के अर्थ में ना, लता लेखम लिखे यानी लता को लेख लिखना चाहिए। फिर है आशी लिंग लकार, आशीर्वाद देने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम शत्रुओं जिया है तुम शत्रुओं को क्या करो जीतो, तुम चिरायु भूया तुम चिरायु हो। लुंग लकार समान भूतकालीन क्रिया को प्रकट करने के लिए लुंग लकार का प्रयोग होता है, जैसे सज्जना स्वर्गम अगमन, सज्जन स्वर्ग गए। फिर पूरा राजा रामा अभूत, पहले राजा कौन हुए राम हुए, पूरा राजा रामा अभूत यानी पहले राजा राम हुए। चलिए इसके बाद लुंग लकार, जहाँ एक क्रिया के होने पर एक दूसरी क्रिया हुई तो वहां पर लुंग लकार का प्रयोग होता है, जैसे यदि मोहना आगमिष्यत तहि अहम तेन सह आगमिष्यम, तो यदि मोहना आता है तो मैं उसके साथ जाता। धातुओं के आते पर प्रत्यय परस्मिन और आत्मिक क्रियाओं के साथ जो प्रत्यय है ना लगते हैं विनिमय में, जैसे सबसे पहले लट लकार वर्तमान का परस्मिन पद क्रिया आत्मिक पद प्रत्यय, तो ये पहले परस्मय पद क्रिया के प्रत्यय है और आत्मय कभी क्रिया के प्रत्यय है, तो जैसे इसमें है प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन द्वि वचन बहुवचन, यहाँ भी देखिए एक वचन द्वि वचन और बहुवचन, तो जैसे सबसे पहले आता है प्रथम पुरुष की तहांति, मध्यम पुरुष सी था ये है, फिर उत्तम पुरुष नी बहुमत, इसके क्या है ये ते इते अंते से इते भवे और ई भवे भवे, बिना प्रत्यय के आप धातु का प्रयोग नहीं हो सकता, मतलब धातु में आपको प्रत्यय में लगाना ही पड़ेगा और धातु बहुत प्रकार की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आता है इसमें लंग लकार यानी भूतकाल, इसमें भी देखिए दो है प्रश्न पति और दूसरा आपने कभी, इसमें भी एक वचन द्वि वचन बहुवचन, एक वचन द्वि वचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसमें क्या है ता ताम अन शून्य तम ता अम आ आम, फिर इसमें है ता इताम अंत था हम हम ई वही वही। अब इसके बाद आता है लट लकार के कौन से प्रत्यय, इसमें प्रश्न पद है और आत्मिक पद क्रिया, इसमें भी एक वचन द्वि वचन बहुवचन, एक वचन द्वि वचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, इसमें क्या है स्यति सत स्यन्ति स्यसि सथ सत स्यामी स्यावक श्याम, ठीक है, इससे सयते इससे सय सयते सयध्वे सय स्यावहे श्याम, ठीक है, इस प्रकार से सयसे सय थे सद्भवे, इस प्रकार से इनके जो प्रत्यय और उसमें जो धातु शब्द लगता है वो शब्द बनते हैं, ठीक है। आप इसके बाद आता है लोट लकार अज्ञातार्थ रूप में प्रश्न पद आत्मय पद, एक वचन द्वि वचन बहुवचन, एक वचन द्वि वचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम, और इसमें देखिए दिया तू ताम अंतु आ तम ता आनी आ आम, इसमें दिया है ताम इताम अंताम स्व इथाम भम ए आ वही आम, विधि लिंग यानी इसमें हमने अभी आपको बताया चाहिए।
यहाँ पर अपन ने विधि ली है चाहिए के योग में। इसमें परस्पर क्रिया प्रत्यय आत्मनि पदी क्रिया प्रत्यय प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन यहाँ भी एक वचन द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार से इसमें एक इताम ई यू इताम एक इयम एक इन इसमें क्या आएंगे ई यताम इरन इथा इया थाम ई ध्वम ई वही ई मही। आप परस्मै पद पठ रामे पद से धातुओं के सभी पुरुषों और वचनों में रूप इस प्रकार बनते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर है लट लगा। लट लगा को क्या बताया था वर्तमान काल कहते हैं। इसमें ही परस्मै पद क्रिया प्रत्यय और आत्मनि पद क्रिया प्रत्यय प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन इसमें एक वचन द्विवचन और बहुवचन। आप देखिए जैसे हमने बताया था आपको पट धातु है ना पट माने पढ़ना तो बिना धातु बिना प्रत्यय के नहीं हो सकता। धातु में प्रत्यय जब तक नहीं जोड़ा जाएगा प्रत्यय में जब तक धातु नहीं जोड़ा जाएगा शब्द नहीं बनेगा। कैसे अब इसमें देखिए दिया पठती पठता तो भी पहले उसकी जो प्रत्यय थे वो क्या था ती था ती सीता था नी वा है ना तो अब इसमें पठ धातु जुड़ गई तो किसमें आ गया पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठानी। इसी प्रकार इसमें सेव धातु जुड़ गई सेवते सेवेते सेवते सेवसे सेवेते से ध्वे से ध्वे सेवे सेवा है सेवा ना तो आज इस प्रकार लाना का निर्भूत काल बताया था। इसमें प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन इसी प्रकार आत्मी पदी क्रिया में प्रत्यय कैसे अपठन अपठता अपठन अपठा अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठ। अब इसमें देखिए आसेवत आसेवेताम आसेवंत आसेवथा आसेवेथाम आसेवध्वम आसेवे आसेवा वही आसेवा इस प्रकार से आए। अब आगे चलते हैं। अब इसमें दिया है कि कौन सा प्रत्यय दिया है यहाँ पर लुट लकार भविष्य काल है ना प्रश्ने पदी और आत्मे पदी इसमें देखिए प्रथम मध्यम उत्तम एक वचन द्विवचन बहुवचन। अब भविष्य काल में जब लगेगा तो इसमें क्या लग जाएगा देखिए यहाँ पर आ जाएगा पठिष्यति पठिष्यता क्यविष्या का प्रयोग है ना तो पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यथ पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामि इसी प्रकार यहाँ पर देखिए सेव शार जो लगेगा तो से विष्यते से विष्यते से विष्यन्ते से विष्यसे से विष्यते से विष्यधवे से विषय से विषय और से विषयावहे से विषया ठीक है। आप लोट काल जो है जिसको हमने बताया आपको अभ्यर्थक काल में इसने परस्मै पदी प्रत्यय आत्मनि पदी प्रथम पुरुष मध्यम और उत्तम वचन की आएंगे। अब इसमें क्या आएगा पठतु पठता पठंतु तो इसमें जैसे जो प्रत्यय है तो क्या था तू ताम अंतु अब धातु रख गई के पठ पठतम पठक पठानी पठा पठा इसी प्रकार यहाँ पर आएगा सेवताम सेवेताम से सेवंताम सेवस्व सेवेथाम से सेवध्वम सेवई सेवा वही सेवा ठीक। चलिए अब यहाँ पर दिए गए हैं आपको उसमें बुक में दिए प्रश्न कि कोष्ठक के पदार्थ धातु निर्दिष्ट लकार समुचित प्रयोग में बात करें यानी जो आपको जो लकार है तो जैसे पट को लट लकार बना है लट लकार है वर्तमान काल अभी मैंने आपको समझाया है तो आपको ये इस धातु को उस काल में बनाना है ठीक है लट लकार में तो क्या बने बालिका पुस्तकानी देखिए यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है इसमें आएगा पठंती ठीक है पुस्तकानी पठित्वती विद्वांस तो क्या आएगा भूका भविष्यंती फिर है इस प्रकार से ये रूप बने फिर यूयम उद्याने कदा तो क्या आएगा अत्रिदत ठीक है ये दिया है ना फिर किम आवाम अद्य भ्रम उसमें दिया है लोक प्रकार में तो क्या है भ्रमा फिर है त्वम ध्याने पाठ पाठ को विधि लिंग लकार इसमें माना है इसमें आएगा पठे फिर इसके आएगा साधव तप है तप का लट लकार तो तपंती आएगा वयम उत्तमान उत्तमान अंकान तो इसमें लप लुट प्रकार में तो क्या आएगा लपस्या है ना फिर नाटकम दृष्टवा सर्वे तो इसमें दिया अमूल लंग लकार में क्या आएगा अमूलंत फिर है
इस प्रकार से यहाँ पर दिया है पितरम वार्धक के पुत्र पुत्र अवश्यम। यहाँ देखिए दिया है सेव लोड प्रकार से क्या है सेव दान। ठीक है फिर है हे प्रभो संसारे को अपनी भिक्षा न तो याच मैंने विधि लिंग में बनाते क्या है याची। ठीक इस प्रकार से आपको ये अपने टॉपिक में रजिस्टर इसको सही लिखना। अब इसके बाद आता है कोष्टक समुचित क्रिया पदम चित्र वाक्यानि कुल। आप जो कोष्टक में दिए गए जो है क्रियापद उसको करके उस बात को पूरा करना है तो कैसे आएगा जैसे इसमें सबसे दिया है आपके युवा विद्यालय किमर्थ ना। देखो तीन इसके दिए हैं आगच्छताम आगच्छतम और आगच्छत तो क्या आएगा इसमें देखो उत्तर में आगच्छतम। फिर दूसरा दिया पूरा जना संस्कृत भाषा भाषण की भाषा में अभाषण क्या इसमें आएगा अभाषण। फिर यूयम कम पाठम अपठक अपठक या अपठन क्या आएगा अपठक। फिर दिया है जीव सर्वत्र खाने स्थान भाव्यंतः परस्परम मोदताम मोदेताम मोदन मोदनताम तो क्या आएगा मोदनता। फिर है कक्षायाम सर्व ध्याने क्या पठतु पठनाम पठन तो क्या है पठन तू सब पढ़ना चाहिए सबको। फिर आएगा प्रभो महाम बुद्धिम यक्ष यक्षतम यक्षत्याय यक्ष वयम सदैव सुमीरा सुमीरा च क्या आएगा भवे। ठीक है त्वं सायं कुत्र गमिष्यसि गमिष्यता गमिष्यति क्या आएगा तो इसमें आएगा गमिष्यसि। फिर दिया विद्वान सर्वत्र पूज्यते 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 क्या आएगा पूज्यते। फिर है अद्वितीय समाचार पत्र महत्तम सर्वे परिसंतो जानन्ति क्या आएगा जानन्ति। इस प्रकार से यहाँ पर जो धातु रूप आपके हैं आपको पढ़ाया समझाया तो प्रत्यय जरूर याद करें और साथ ही जब आप प्रत्यय याद कर लेंगे तो जो धातु हैं बहुत प्रकार की हैं तो उसमें जो भी मतलब धातु पूछी जाएगी यदि आपको प्रत्यय याद हो जाएंगे तो आपसे वो आसानी से बन जाए। तो मैंने आपको धातु रूप समझाए आप लोग अपनी कॉपी में इसको बहुत अच्छे से लिख लेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।